आपको नींद आ रही है? तो भाई ये आ गई तरुण भैया की गाड़ी, आप देख रहे हो। हाफ बाजू टी शर्ट जोश और गाइस यार चेक कर रहे हो आप कौन सी बाइक है, R1। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो भाई आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ, और व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है भाई वो हो रही है हमारे ऑफिस से। ये व्लॉग भाई थोड़ा डिफरेंट रहने वाला आज का, तो इसलिए इस व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। डिफरेंट क्या रहने वाला है अभी आपको थोड़ी देर में रिवील हम कर देंगे, लेकिन व्लॉग किसके साथ रहने वाला है वो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखो भाई कौन बैठा है आज हमारे ऑफिस में फिर से एक बार, काफी बार हो गए वैसे, लेकिन चलो इस बार फिर से एक बार। ये देखो तरुण भैया कैसे हो? आपको नींद आ रही है? अच्छा बुला के डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको मैं, आपको बता दिया मैं सो रहा हूँ। देख आप देख रहे हैं, सारे लोग आपको देख रहे हैं। कैसे हो? ये देखो ये नए ताजे बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल निकल गए हैं, तो फिर साइकिल निकल जाए तो आपको समझ जाना है कि आगे क्या होने वाला है। सो दिल की धड़कने बढ़ते हुए जो काम मैं नहीं करना चाहता वो काम करने पे मुझे मजबूर किया जाता है। भैया किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, ऐसा नहीं बोलो यार, आपका भी मानना है। नहीं अगर मैं नहीं जीता तो फिर मेरी यही बात आएगी ना, मन नहीं था। नहीं कोई बात भैया, जीत हार लगी रहती है, टेंशन ही लेनी जिंदगी में, ठीक है ना। वो देखो बाहर से दो बशिंदे और आ रहे हैं, देख रहे हो आप। ये रोहन भाई की तो भाई ये मैंने कभी देखी नहीं, देखो मतलब रोहन भैया कभी गॉगल उतारते ही नहीं है। हेलो भैया कैसे हो, क्या करने जा रहे हैं हम? चल रहे हैं बस। अच्छा टोच एंड रॉक एंड रोल नहीं, वैसे सही बात है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं रोहन भाई की गॉगल खुली हो। गॉगल मूछे बाल शाल सेट है, एकदम सेट। और मैं ये चीज चाहिए थी मेरे को भी, ये आगे से पानी होता है। तो चलें तरुण भैया, चलो तो ठीक है भाई, बने रहो वीडियो में, मिलते हैं हम आपको सीधा गाड़ी में। तो भाई ये आ गई तरुण भैया की गाड़ी, आप देख रहे हो दोनों गाड़ियां आ चुकी हैं। तो अब सीधा डेस्टिनेशन पे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई आज का क्या सीन रहने वाला है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा आगे। तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो क्यों डिफरेंट रहने वाली है। भाई शैकल ले ली है, टो स्ट्रैप ले लिया है, और दो गाड़ियां दोनों बीस्ट। तो भाई कहानी क्या है कि आज होने वाली है टग ऑफ वॉर, वो भी दो गाड़ियों में। तरुण भैया क्या हुआ? वो टर्मिनल नहीं सीधा हो रहा इसका। तो गाइस यार निकल गए हैं ऑफिस से और अब जा रहे हैं भाई सीधा, पहले लोकेशन कोई अच्छी सी एक लोकेशन देखेंगे कि जहाँ पर थोड़ा पब्लिक, पता क्या होता है जब ऐसे कोई टग ऑफ वॉर वगैरह या कोई ऐसा कुछ देखोगे आपको पता वहाँ भीड़ हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कोई नया कोई ऐसे कोई परेशानी बने, पहले कोई जगह लोकेशन डिसाइड करते हैं, कोई देखेंगे अच्छी सी लोकेशन, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। ये जा तो रहे थे भाई टग ऑफ वॉर के लिए, जैसे कि आपने इस वीडियो में देख ही लिया, जा रहे थे टग ऑफ वॉर के लिए। गाड़ियां दोनों यहीं खड़ी हैं, देखो रोड पे भगवती नगर बाजार में खड़े हैं हम, और ये दूसरी गाड़ी खड़ी है, और ये खड़ी है तरुण भाई की गाड़ी। जाने से पहले ही भाई कांड हो गया, टग ऑफ वॉर पे नहीं रास्ते में ही कांड हो गया। अब कांड क्या हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आप देख रहे हो, ये इसका एक्सल का बूट कहीं एक दो दिन पहले का उतरा हुआ है, तो ग्रीस जो है वो सारी निकल गई बाहर और एक्सल टूट गया। ये देखो भैया, ये देखो ये एक्सल के अंदर से सामान निकला, ये बैरिंग के बीच में जो गोलियां शायद जो एक्सल के बीच में चलती है ना, ये लोहे का पार्ट शार्ट ये टूट गया, देख रहे हो। तो भाई चेक करो, एक्सल टूट गया और टायर हो गया हुआ है, देखो ऐसे। तरुण भैया क्या करना है अब, रह गया फिर आज का सीन। लेकिन भैया टग ऑफ वॉर हमने करनी है, समझ गए मेरी बात। मैकेनिक को फोन कर दिया है, बंदा एक्सेल लेके निकल पड़ा है। हमारी फास्ट सर्विस है वैसे, 10 मिनट में बंदा यहाँ पहुँच जाएगा, 15 मिनट में 20 मिनट में तो एक्सेल फिट होगा। लेकिन आज आपको टग ऑफ वॉर नहीं दिखेगी, टग ऑफ वॉर दिखेगी आपको कल, ठीक है भैया। तो बने रहो वीडियो में, आगे के सीन्स आपको दिखाते हैं। भाई राहिल के हैंड ओवर करके जा रहे हैं गाड़ी, भाई अच्छे से ठीक करा देना, ठीक है, बंदा मिस्त्री आ रहा है। राहिल वेरी इनोसेंट गाय, फोटो खिंचाने आए थे तो मेरी गाड़ी, वेरी इनोसेंट गाय, फोटो खिंचाने आए थे मेरी गाड़ी, निकलो चलो। तो आ रहा है मैकेनिक, आ रहा है, अच्छे से ठीक करा देना, ठीक है, हम जा रहे हैं। तो भाई हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, तरुण भाई की गाड़ी में बैठते हैं, यहां से निकलते हैं। The next day. Guys यार तरुण भाई की कॉल आई है और वो कह रहे हैं कुछ काम है भाई, तो हम यहाँ से निकल पड़ रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हो गाड़ी में बैठ गए हैं, और उन्होंने बोला है फॉर्चूनर ही लेके आना। क्यों? मैंने कहा नहीं फॉर्चूनर, मैं दूसरी गाड़ी लेके आया, तो कहते नहीं फॉर्चूनर ही लेके आना। तो भाई अब पता नहीं क्या करना है, क्या मसला है क्या नहीं, अब वीडियो में बने रहो, तो आपको दिखाते हैं भाई क्यों बुला रहे हैं, क्या मसला है, तो वहाँ जाके हमें पता चलेगा। तो बने रहो वीडियो में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
जी देखो भाई आगे कौन जा रहा है, देखो और कहाँ ले आए हैं आप चेक करो, लोकेशन भी चेक कर लो और कहाँ पहुँच गए हैं वो भी देख लो भाई। ये देखो भाई हाफ हाफ बाजू टी शर्ट, जैकेट में गर्मी लग रहा था, जोश गर्मी लग रही थी जैकेट में, जोश। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मेरी पानी की बोतल, मैं बात में ना हो पा रही, मुझे लग क्या रहा है। तो तरुण ये क्या प्लान है? प्लान वही जो बुला तो आपने लिया है, लेकिन वही जो आपका है। अच्छा जो मेरा प्लान है। तो राहिल क्या प्लान है, इसको नहीं पता? पानी की बोतल का मेरे को पता भैया, आपके पास है पानी की बोतल, बोतल आके रखी थी, पानी बोतल कहाँ रखी? तो भाई ट्रक आ गया है तो यहाँ रास्ता किया हुआ हमने ब्लॉक, तो पहले गाड़ियाँ साइड करते हैं और फिर आगे का सीन दिखाते हैं आपको। तरुण भैया का कोई फ्रेंड आ गया बाहर मिलने, हम वापस निकल गए यहाँ से, वापस जाएंगे। भैया ये यहाँ पर देखो क्या गदर मचाया हुआ इन्होंने, कहते हैं लुंडी। क्या लुंडी? लुंडी, आप शहरी बच्चे हो ना, आपको नहीं पता लुंडी क्या होती है। ये चील गिद्ध को लुंडी बोलते हैं डोगरी में। यार आप डोगरी बोलते हो तो तब डोगरी बोलता हूँ, लेकिन ये लुंडी पहली बार सुना मैंने। लुंडी लुंडी लुंडी, अच्छा लुंडी ना, लुंडी इस लुंडी लुंडी, आपने मेरे को ही बुला दिया लुंडी लुंडी। चलो ठीक है भैया, तो कैसी कैसी चीजें सीखने को मिलती है तरुण भी, आपने बहुत आपने आपने बहुत कुछ सिखाया मुझे। अगर मेरे को टगा वार मेरा आया ना तो फिर देख लेना कच्ची हो जाएगी। ताकि जो आपके जो और बंदे हैं ना, जो आपके फैन वो और गले गले मुझे मुझे पता है भैया, मुझे पता है। अगर अगर प्यार करने वाले मेरे को कितनी गाली, अभी जब मैंने थार बेची ना तो तब जो मेरे को गप्पा चल रहा है वो देख रहा हूँ। भैया प्यार करने वाले हैं तो फिर हेटर हेटर्स भी तो हैं। बेसिकली ये प्यार और हेट का मसला नहीं है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मसला है। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो नेगेटिविटी भी, नेगेटिविटी भी है। आप एक सोशल मीडिया उस पे हो तो आप बोलो कि सिर्फ पॉजिटिविटी हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, वो नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। तो चलो तरुण भाई के फ्रेंड से मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। और गाइस यार चेक कर रहे हो आप कौन सी बाइक है, R1। तरुण भैया कौन सी बाइक है ये? है जी बहुतों की ड्रीम बाइक R1। अच्छा क्रॉस प्लेन? नहीं नहीं समझो समझो, आप एक नया कीड़ा अपने दिमाग में डालो। गाड़ियों क्या बस बढ़िया। तो भैया कितनी दौड़ाई अभी तक, कितनी टॉप स्पीड की है आपने? 299 कर दी है। अच्छा हाँ हाईवे पे अमृतसर वाले। तो मेरे को भी बाइकों का बड़ी बाइक मैंने भी, लेकिन अभी आप भैया आप गाड़ियों में घुस गए, अब डर लगता बाइक पे। क्यों तरुण भैया? एक टाइम बहुत शौक था मेरे को भी, मेरे को भी शौक था, मैं शौक पूरा भी नहीं कर पाया, लेकिन उससे पहले डर गया। नहीं भी एक चीज है, पाली डाली हुई है ऊपर पे, उसमें होंगे जो दो तीन हो जाएंगे ना वो निकाल लेंगे, करेंगे उसको। नहीं चलो कैरी ऑन करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। पहुंच गए हैं लोकेशन पे और दोनों गाड़ियां लगा दी हैं, देख लो भाई अपनी पोजीशन में। तो गाइज आप गाड़ियां देख के समझ ही गए होंगे कि अब क्या होने वाला है। तो तरुण भाई की गाड़ी आप देख ही रहे हो, भाई ने टायर देखो जो डलाए हैं भाई, आप चेक कर रहे हो। तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई अपना गब्बर जीतेगा, क्योंकि टायर भैया समझ नहीं, कोई गब्बर नहीं जीतेगा। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं थ्रो नहीं करूंगा, हमको गाड़ी से छोटी सी कोई एक आवाज आ रही है तो मैं इतना प्रेशर दूंगा ही नहीं। तो भाई होने वाली है टग ऑफ वॉर। तो तरुण भाई देखो आते ही भैया कोट पहन के जो आप ये काम कर रहे हो ना, क्या लग रहे हो यार, मजा आ गया। ये हमारी या तो जैकेट उतार लो। नहीं ये हमारी कर्म भूमि है ना। हाँ ये भी बात सही है, वैसे यही कर्म भूमि है, काम ही यही है हमारा। तो भाई शैकल लग गए हैं और टोस्ट ऐप उस तरफ राइट साइड डालो, ड्राइवर वाली साइड। हाँ ड्राइवर, दोनों गाड़ियों को ड्राइवर साइड डालो, क्योंकि जो इस साइड वाला ना ये वीक होता, थोड़ा इस साइड वाला वीक होता है, उस साइड ज्यादा पावरफुल। वो भी इधर करो, आपने गलत कर दिया। ये राहिल क्या गुंडा बना, तो भाई अब कैमरा जा रहा है राहिल के पास। यार मैंने कितनी गाड़ियां निकाली यहां से, क्या कर रहे हो आप? गुंडा सेलेक्ट हो गया। अच्छा ये वाला तो फिर उल्टा क्यों क्रॉस कर दिया? ये तो क्रॉस से क्या होना है यार, ये इतना लंबा मेरे को। तरुण भैया ने आते ही पहले फटोफट टोस्ट ऐप लगाया, क्या होगा पटा बिल्कुल टाइट करना ना। हाँ पटा टाइट। देखो भैया गेम ऐसी करनी है, मैं आपको जनरल बात बताऊं, दोनों गाड़ियां अपनी नुकसान नहीं होना चाहिए, बस वो तो नहीं है। आप हॉर्न सुन लेना बस, ये चक्कर है, ज्यादा एक्सपीरियंस हो। ओए 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 क्या लग रही है यार दोनों गाड़ियां, मतलब मजाक कर रहा हूं। ओए यार एक नॉर्मल एक 4x4 एक मिनट तरुण भैया इधर आ। तो गाइज यार देख लो आप, सेटअप हो गया पूरा कंप्लीट, स्ट्रैप जो हमने कर दिया पूरा स्ट्रेच करके गाड़ियां दोनों अपनी पोजीशन में खड़ी कर दी। अब तरुण भाई इस गाड़ी में जाएंगे और मैं जाऊंगा अपने गब्बर में।
तो देखते हैं भाई कि आज टागा फॉर में कौन सी फॉर्चुनर परफॉर्मेंस अच्छी करती है। क्या तरुण भाई, ज्यादा जोर नहीं लगाना, आप ही का डायलॉग बोलूंगा, आप ही का। ठीक है चलो भाई करते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई छोटा अपना गब्बर अपना, तो पहली नॉर्मल है भाई, ठीक है फर्स्ट नॉर्मल है। तो भाई कौन जीतेगा बताओ, तो मेरे काउंटडाउन पे शुरू होगा 1 2 3 स्टार्ट। तो भाई छोटा जीत गया है और छोटा वाकई यार धुआं धुआं हो गया है और गाड़ी बस ठीक है भाई। ये देखो स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा 1 2 3 गो। तो गाइस ऐसा हुआ, पहली बार क्या है मैंने एक्सलेटर दे के रखा, गाड़ी को आरपीएम 2 पे खींचा और क्लच छोड़ा तो साहिल भैया की गाड़ी बंद हो गई। इस बार क्या किया कि साहिल भाई ने उसको बना के रखा आरपीएम को, स्मेल थोड़ी उधर से भी आई है। हाँ उस पे आएगी आएगी, क्लच से आपने तो उठाया हुआ था लेकिन जब वो आरपीएम इतना नहीं गया क्योंकि मैंने झटका दे दिया था ना बीच में। मैंने झटका नहीं दिया, देखो आरपीएम एक्सलेटर दबा के जब छोड़ोगे ना फिर गियर लेना, आप उसमें चलो अभी लोड हाई डाल लेते हैं, पहले हाई डालते हैं, चलो हाई 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 ठीक है। यार पर कुछ भी कह लो यार दोनों गाड़ियां लगती क्या है यार, ये 1 2 3 स्टार्ट। ओ भाई साहब बंद होगी बंद होगी बंद होगी बंद होगी, वेट 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 ये हो क्या रहा है भाई। तो लाइक लास्ट लेकिन झटका कितनी जोर से बजा, इसका झटका अच्छा बजा क्योंकि मैं नहीं उठा सकता उसके भाई। मुझे तो आज वही फील आ रही है फास्ट एंड फ्यूरियस 10 वाली, मैं वो लड़की हूँ बीच में फैसा हुआ हूँ। डन 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 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं टाइट हल्का सा करना बस। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ओ भाई साहब वेट 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 भाई दोनों ही बराबर है भाई, ये नहीं मानते दोनों, दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस टॉप पे है भाई। तरुण भाई ये क्या है, ये तो ट्रैक्टर चला रहे थे आप? ये तो ट्रैक्टर चला दिया आपने, एक्चुअली क्या है टायर नया है ना पर खड्डे देखो उधर, इन्होंने पत्थर निकाल दिए हैं, इन्होंने खड्डे कर दिए हैं। वाह भाई वाह वाह वाह, टायर की स्मेल जो आई है ना मेरे साथ क्लच उड़ गया नीचे मेरा, तो देखो अंदर चला गया पूरा। अच्छा ओ भाई साहब फ्रंट दोनों फंस गए हैं, आपके आगे वाले ने काफी कुछ किया ना। एक्चुअली टायर नहीं है ना, तो गुड्डी वैसी है ना, अरे ग्रिप अच्छी है ना टायर की, उसने खोद दी जगह भैया, हमने गलत थोड़ा बोला था, टायर जो है टायर खोद, लेकिन क्लच की स्मेल आ रही है। काम हो गया है खत्म, तो टग ऑफ वार आपने देख ही ली, तो आप थोड़ा और पीछे आने दो, और कोई नहीं जीता है दोनों बराबर है। वो भाई की गाड़ी फंस गई थी, इतने बड़े बड़े खड्डे कर दिए, खड्डे चेक कराओ। ओ भाई साहब ये तो हल चला रहे थे इधर, ओहो तरवे वाह आप इधर हल चला रहे थे, हल चला रहे थे। आगे वाला देखो ना, आगे वाला ये जो ना उधर देखना, ये कलियर यार क्या ये क्या है भैया, किसी का पैंट का कपड़ा यार, वो भी आप हाथ धोगे भाई साहब। काम करो काम करो जल्दी करो, दोनों काम करो, शाबाश आज की कोल्ड ड्रिंक पार्टी बाइक कराएगा, काम करो शाबाश। अभी आपने घर ही जाना है, अब कहाँ जाना, ऑफिस में छुट्टी, अब जल्दी करो फिर डाल दो ये।
तो गाइस यार आज का जो सीन था हो गया पैकअप। आप देख लो ये खड़ा अपना गब्बर और ये तरुण भाई की गाड़ी खड़ी है। तो नाम भैया क्या नाम आपके माइंड में तो कुछ होगा? अच्छा मैं ही इसका नाम मैं ही तो हूँ। अच्छा समझे नहीं। तो अब देखो तरुण भाई ने जो बात बोली उसका आगे का रिजल्ट क्या है। तो ये खड़ा स्मॉल टाउन राइडर, वो खड़ा गब्बर, ठीक है ना भैया? ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तो आपने जो भैया जो आपने बोला मैंने वही बोला है। हाँ तो आपने कहा ना मैं ही हूँ तो मैंने तभी बोला भैया। तो गाइस खड्डे चेक कर लो, तो टायर अच्छे होने का बेनिफिट देख लो आप, कितने बड़े बड़े खड्डे डाले गाड़ी ने। आगे देख लो चेक कर रहे हो भैया, महंगी बातचीत है, पैसा ही पैसा है भैया, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात। तो अपनी वाली गाड़ी ने ज़्यादा कोई खड्डे नहीं करे हैं, बेसिकली नीचे सरफेस भी हार्ड थी और पत्थर आ गए थे। ये देखो तो यहाँ आ गए थे नीचे पत्थर, लेकिन धुआं जो टायर ने है वो काफ़ी निकाला, देख रहे हो आप बिल्कुल ब्लैक हो गया हुआ है। तो मेरा क्रॉस टायर चला है, एक ये चला है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत खड्डा निकला है, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर भी सेम वही है, ब्लैक हो गया बिल्कुल। नीचे सरफेस बड़ी टाइट थी तो वो वहाँ जगह थोड़ी नरम थी और वहाँ खड्डे, वैसे भी भाई वो जो टायर है आपको पता ही है रडार भाई, फेमस ऑफ रोड मड टायर, मड टायर एंड प्रॉपर मड एम्प्टी टायर। ये था भाई कुछ आज का सीन। और वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा के सपोर्ट दिखा दो भाई, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना भाई ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ KS व्लॉग 0786 0786 बाय।